जो रोड के साइड में आप बालू देख रहे हैं, ये सब साइक्लोन फनी की वजह से हुआ है। मतलब वो साइक्लोन इतना पावरफुल था, आप खुद ही देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इतने दिनों बाद भी अभी भी यहाँ पे इतने सारे बालू है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पूरी को पूरी तरीके से फंक्शनल उसने बना दिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विदिशा और एक नया रोड ट्रिप की वीडियो लेके मैं आ गई हूँ। मैं तो अभी हूँ फिलहाल पुरी की बीच रोड पे। सुबह का मौसम है, नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ये क्या, ये देखिए, रोड में चलते चलते इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, कम से कम इंडिकेटर तो देना चाहिए था। खैर छोड़िए, हम सब एक बहुत अच्छे मूड पे हैं और एक बीच साइड जाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं गोपालपुर, जो कि एक पॉपुलर बीच डेस्टिनेशन है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और हम पुरी से बाय रोड गोपालपुर जा रहे हैं। मैंने कोशिश किया है जितने भी लेफ्ट राइट टर्न्स है सबको कवर अप करने की। लाइट हाउस की तरफ से जब स्वर्ग द्वार आ रहे थे, उसके बाद हमने पहले लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद राइट टर्न लिया और वो था थर्ड टर्न और ये रहा फोर्थ टर्न। अभी सुबह का टाइम है इसीलिए रोड बिल्कुल खाली है, वरना यहाँ पे बहुत ट्रैफिक आपको दिखने को मिलेगा। गूगल मैप शायद सजेस्ट करेगा बाईपास रोड, लेकिन वो रोड अभी तक पूरी तरीके से नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप जा सकते हैं। हम लोग जब पूरी आए थे तब उसी रोड से आए थे, थोड़ा सा दिक्कत हुआ लेकिन हम पहुँच गए थे। देखना चाहते हैं अगर वो वीडियो, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हाँ, यहाँ के लोगों का कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा सा आप देख के गाड़ी चलाइए। एक्सप्रेसवे को छोड़ के हमें स्टेट हाईवे से जाने के लिए यहाँ से लेना होगा राइट टर्न। रघुराजपुर, जो कि पटचित्र के लिए फेमस है, एक हेरिटेज विलेज है, इसी रोड से जाना होता है वहाँ पे। आज का वेदर बहुत ही खूबसूरत है, एक रोड ट्रिप के लिए आइडियल वेदर जैसा लग रहा है मुझे। लेकिन वेदर का तो कोई भरोसा नहीं, थोड़ी देर पहले कितना धूप था और अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। गोपालपुर जाने के लिए हम यहाँ से राइट की ओर जाएंगे और जो सीधा रोड निकल गया वो है रघुराजपुर जाने की रोड। ये जो आप ऊपर में रोड देख रहे हैं वो है वो एक्सप्रेसवे जिसको हम छोड़ के राइट टर्न लिए थे और अभी हम उसके नीचे से जा रहे हैं। और फिर कुछ देर चलने के बाद हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। इस हाईवे में एक टोल है, लेकिन समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है, क्योंकि हमें जाने का टाइम टोल नहीं देना पड़ा, लेकिन जब रिटर्न कर रही थी तब टोल देना पड़ा। 10 रुपया का टोल था शायद, और देख के पता भी नहीं चल रहा था कि वो कोई टोल प्लाजा है। और हाँ, इस हाईवे में बम्पर्स है, 85+ बम्पर्स तो मैंने काउंट किया, एक दो शायद छूट गया था, तो
ध्यान से गाड़ी चलाना होता है क्योंकि कुछ कुछ जगह पे मार्केट एरिया है, वहीं पे बम्पर्स है। लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम नेशनल हाईवे में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे कोई बम्पर्स नहीं है। हमारी लेफ्ट साइड में है चिल्का लेक, जो कि इंडियन सब कंटिनेंट की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेगून है, और ये लिस्टेड है एज अ टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसे गोपालपुर जाने का जो रोड है बहुत ही खूबसूरत है, और मेरे ख्याल से मेरी आज तक की सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप है ये। सो लेट्स एन्जॉय। गूगल मैप की बहुत सारी मदद से फाइनली हम गोपालपुर की रोड में आ चुके हैं। यहाँ से गोपालपुर बस 1 किलोमीटर है। आई होप हम बहुत जल्द गोपालपुर में पहुँच जाएंगे और एक बहुत बढ़िया समुंदर हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यही है वो खूबसूरत गोपालपुर जिसकी वीडियो मैं अगले हफ्ते लाने वाली हूँ। तब तक बाय बाय।